दिमाग एक ऐसा शब्द जिसके बारे में लोगों की सोच होती है कि उनका दिमाग सबसे तेज हो, जिसके पास है उसे यह महान बनाती है, उसे स्मार्ट भी बनाती है। तभी तो 6 साल के बच्चे के भी लोग दीवाने हो जाते हैं। लेकिन कई बार यही दिमाग ज्यादा ही तेज हो जाए तो लोग उसे पागल कहते हैं। इन सब के बावजूद जिसके पास यह जितना ज्यादा है वही अकलमंद है। दुनिया में ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति तो बहुत है, लेकिन क्या उनका आईक्यू लेवल हाई है? किसी के भी बुद्धिमानी का पता उनके आईक्यू लेवल को देखकर ही लगाया जा सकता है। दुनिया में बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ऐसे ही कुछ बुद्धिमान लोगों का वर्णन आज हमने इस वीडियो में किया है। तो चलिए देखते हैं कौन है वो 8 बुद्धिमान लोग। क्रिस्टोफर हिराटा। हिराटा बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ही हिराटा ने इंटरनेशनल फिजिक ओलंपियाड में गोल्ड मेडल हासिल किया था। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने नासा में काम किया था मार्स का पता लगाने के लिए। 22 वर्ष की उम्र में हिराटा ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से PhD की थी। टेरेंस टाओ। 230 का IQ प्राप्त करके टेरेंस दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। वे ऑस्ट्रेलिया में जन्मी है। 8 वर्ष की उम्र में टेरेंस ने pre-1995 के SAT में 760 का स्कोर बनाया था। 20 वर्ष की उम्र में टेरेंस ने PhD की थी। 24 वर्ष की उम्र में वे UCLA के सबसे कम उम्र के पूर्ण प्रोफेसर भी बन गए थे। किम योंग योंग। 210 के IQ के साथ किम को एक चाइल्ड प्रोडिजी भी माना जाता है। 6 महीने की उम्र में ही किम बोलने लग गए थे और कोरिया और बहुत सी और भाषाएं भी समझने लग गए थे। 3 वर्ष की उम्र में ही किम बहुत सी भाषाएं जैसे कि कोरिया, जापनीज, इंग्लिश भी पढ़ने लग गए थे। और तो और टीवी पर लाइव आने वाले गणित के कठिन सवाल भी हल कर लेते थे। स्टीवन हॉकिंग। स्टीवन हॉकिंग एक एस्ट्रोफिजिस्ट है। 160 के IQ के साथ स्टीवन हॉकिंग एक मोटर न्यूरॉन बीमारी से निदान होने के बावजूद अपने सपनों का पीछा करना जारी रखा। गैरी कास्पारोव। गैरी कास्पारोव ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है जब वे एक शतरंज यानी कि चेस कंप्यूटर के खिलाफ खेले जो प्रति सेकंड में 3 मिलियन पदों की गणना कर सकता था। गैरी रशिया से है और शतरंज के ग्रैंड मास्टर है। 22 वर्ष की उम्र में ही वे निर्विवाद यानी कि अनडिस्प्यूटेड विश्व चैंपियन बन गए थे। फिलिप एमेग्वाली। फिलिप एक नाइजीरियन बॉर्न इंजीनियर, मैथमेटिशियन, कंप्यूटर साइंस और जियोलॉजिस्ट थे जो 1989 में गोल्डन बेल पुरस्कार विजेताओं में से एक थे। उन्होंने एक कनेक्शन मशीन सुपर कंप्यूटर बनाने में मदद की थी जो पेट्रोलियम क्षेत्रों का पता लगाता था। मर्लिन वो सावंत। 1985 में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मर्लिन को 190 IQ के साथ स्वीकार किया गया था। लगातार 5 साल तक मर्लिन को सबसे बुद्धिमान औरत का ताज पहनाया गया है। वे परेड पत्रिका के लिए एक लोकप्रिय कॉलमनिस्ट है। रिक रोसनर। 192 का अद्भुत IQ पाकर रिक दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक है। रिक व्यवहार से रफ एंड टफ है और एक बाउंसर की तरह भी काम कर चुके हैं। वे अमेरिकन टेलीविजन के लिए प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। रिक ने बाद में डायरेक्टिव के साथ मिलकर एक पोर्टेबल टीवी सैटेलाइट भी बनाई थी। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं आपका IQ कितना है। शायद इस वीडियो में बताए गए लोगों जितना ही आपका IQ हो या फिर उससे थोड़ा सा कम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए अपने नॉलेज को बढ़ाने की, और जितना ज्ञान जहाँ भी मिले वो सारा बटोर लेना चाहिए। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक।